पहले यहाँ पे कोई आता ही नहीं था, यहाँ का विकास बिल्कुल था ही नहीं। इस समय आप देख ही रहे हो, पीछे एयरपोर्ट है, बस स्टैंड बन गए, दुकानें बन रही है, रोड बन गए, लाइटें लग रही हैं, हर तरफ विकास हो गया। गुप्तार घाट चले जाइए, पहले घूमने की जगह नहीं थी यहाँ पे। कोई अगर हम लोग का ही रिलेटिव आ जाता था तो उनको घुमाने की जगह नहीं थी, अब हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। भी यही अयोध्या से? जी हाँ, अयोध्या के लिए आए हैं कि एयरपोर्ट किस तरह से? हाँ, 3-4 दिन में एक बार देख ले रहे हैं कि कैसा था, कैसा हो गया। अब सब सही चल रहा है? अब सही क्या चल रहा है, जितना उम्मीद नहीं कर सकते अयोध्या वाले, इतना सही हो गया। ऐसा क्यों? लेकिन कभी आज के 10 साल पहले किसी ने सोच, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि अयोध्या में, क्यों ऐसे, क्यों आप लोग निराश थे? ये मालूम नहीं था ना कि मोदी जी के आने के बाद भी इतना हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल लोग जो है निराश हो चुके थे कि मंदिर बनेगा, और भगवान का मंदिर अगर न बना होता तो ये सब चीजें संभव ही नहीं थी। अब मंदिर बन रहा है तो क्या तैयारी आपने की है उस दिन को सेलिब्रेट करने की? 22 जनवरी तक सब पूरी छुट्टी है, बस केवल जो है इसे जो है सबकी सेवा करेंगे जो बाहरी लोग आएंगे। ये देखिए, लोगों को भरोसा है और लोग जो है वो इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि अब तो शुरुआत हुई है, और ये कहां तक जाएगा ये कह रहे हैं कि ये हमारी कल्पना से भी परे। अयोध्या से? हाँ, यही लोकल का हूँ मैं। इतना विकास हो गया? बहुत विकास हो गया है। कहाँ अयोध्या आज के 4-5 साल पहले तक कुछ नहीं था, वहीं आज देखिए तो जगह जगह पे हर एक चीज डेवलप होती जा रही है। जो चीज कभी कोई पूछता नहीं था उस चीज का यहाँ डेवलप हो गया है। ऐसी चीज जो एकदम पड़ी थी, जहाँ पानी तालाब के पानी गंदे रहते थे, वो पानी तक आज के यहाँ के साफ हो चुके हैं। यहाँ पे सूरज कुंड है, बाकी एयरपोर्ट देख ही रहे हैं, राम मंदिर आगे, भरत कुंड है, यहाँ की मतलब जितनी भी ऐसी चीजें हैं सब पे मतलब बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। को क्या करने वाले हो? भगवान रामलला विराजेंगे अपने मंदिर में, क्या करने वाले हो उस दिन? उस दिन हम लोग अपने गांव में भंडारा करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को प्रवेश अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग गांव भर और पूरे सिटी भर हर एक जगह भंडारा चलेगा उस दिन। आप क्या करने वाले हो? हर जगह वही मंदिर सजेंगे, साथ साथ पूरे दिन भजन होगा, और फिर शाम को खाना पीना जितने भी लोग हैं, यहीं का नहीं ये पूरे आसपास के एरिया का यही नियम है। अब अयोध्या वासी हैं और इनको तो भगवान राम को ही अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और इसीलिए देखिए हर जगह यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि आदित्य हमारा कैमरा पर्सन ये तस्वीरें भी दिखाई। देखिए बड़ा सा द्वार यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसे गेट बनाया गया है। एयरपोर्ट परिसर में अंदर आप दाखिल होंगे तो इसी से होते हुए अंदर आप दाखिल होंगे। अभी फर्स्ट फेज का काम यहाँ पर जो है वो जारी है, और आगे आगे और भी तस्वीर जो है वो खूबसूरत होती हुई इस एयरपोर्ट की दिखाई देगी। आपका क्या नाम है? राधे रमन सिंह। देखने आए हैं? आए हैं, बहुत सराहनीय काम जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हम लोग जो है बहुत उनके आभारी हैं। कभी सोचे नहीं थे कि जो है कि यहाँ पर जो है कि एयरपोर्ट बनेगा या हवाई जहाज उतरेगी यहाँ पे, सपना भी नहीं था, लेकिन आज ने सपना को साकार कर दिया उन्होंने। किसी सपने से कम नहीं है अयोध्या में हो रहा विकास। बाबा आपका क्या नाम? विक्रम प्रताप सिंह। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से? हाँ जी। आपने तो कितने सालों से अयोध्या में? अरे जीवन तो यही बीता है, पूरा जीवन यहाँ पर बीता है। तो इस पूरे जीवन काल में आपने अभी तक कितना बदलाव देखा है अयोध्या? अरे स्वप्न से ऊपर है मान लीजिए। पिछले कुछ समय से या हमेशा से अयोध्या में बदलाव? नहीं, अब हुआ है ना, केवल मोदी जी के, हाँ मोदी योगी के राज में। आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या हुई अयोध्या में? अरे सबसे बड़ी विकास यही है जो धाम का हुआ है, भगवान राम के। हाँ, खुश हैं आप भगवान रामलला का? बहुत ज्यादा, हम ही नहीं सब लोग यहाँ के लोग जो है अयोध्यावासी बहुत खुश हैं। टीचर हूँ, छुट्टी हुई स्कूल में, 2 बजे छुट्टी हुई, तुरंत भाग के आ गया, क्योंकि लग रहा है जैसे हमारे शहर में कुछ हो रहा है तो वहाँ हम लोग को रहना जरूरी है, और ये सब रोज कुछ न कुछ देखने को मिल रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो खूबसूरती है शिरीन। देखिए एयरपोर्ट को बनता हुआ देख रहे हैं तो एक इन लोगों के लिए भी एक पर्यटक स्थल हो गया, एक बदलती हुई चीज ये देख रहे हैं कि आखिरकार ये बन क्या रहा है, ये हो क्या रहा है अयोध्या में। तो आप सोचिए कि अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी से लोगों की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने उत्साहित है अयोध्या के लोग अयोध्या को बदलते हुए देखने में, और खुशी साफ तौर पर उनके चेहरों पर, उनकी आंखों पर आपको साफ नजर आएगी। वो जो वहां पर एक होर्डिंग बड़ी सी लगी हुई है, वो पूरा हवाई अड्डा कैसे दिखाई देगा, ये पूरा एयरपोर्ट किस तरह से दिखाई देगा, वो उसकी तस्वीर है। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है बनता हुआ, ये विकसित होता हुआ पूरा एयरपोर्ट, उसी की वो पूरी तस्वीर वहां लगाई गई है। वो देखिए बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, उसी वही पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं जो राजस्थान से मंगाए गए हैं, जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है उसमें लगाए गए हैं। मैं आपका? मेरा नाम खुशबू है। दुकान चलाती हो या पढ़ाई भी करती हो? इस समय हम एमए कर रहे हैं।
दुकान भी चला रही हूँ। कैसे चल रही है दुकान? अच्छी चल रही है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लोग भीड़ बढ़ रही है, एयरपोर्ट बन रहा है तो बढ़ रही है एयरपोर्ट की वजह से। ये एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, पहले क्या था इस जगह? पहले इसे घास फूस सरपत वगैरह ऐसे ही था। देख रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं, ये मिट्टी मिट्टी थी। हाँ बहुत मिट्टी थी, कच्ची सड़क थी, बिल्कुल विकास नहीं था। अब तो देखिए किसी भी शहर के लिए कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और अब जब यहाँ पर एयरपोर्ट बनकर तैयार है, अयोध्या के लोग इस बदलती हुई अयोध्या से बहुत खुश हैं। जब यहाँ से देश दुनिया से जब तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक अलग रंग और स्वरूप अयोध्या का देखने को मिलेगा। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।